जिस्म मेरा मैं राजा हूँ। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के, इश्क हमारा जग से जुदा है, खुशियाँ तुम्हारी किस्मत अपनी पढ़ ली है हमने, तुम्हारे सिवा। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के आ चुकी हूँ और तैयार भी हो चुकी हूँ। और देख ही सकते हो आप लोग कि मैं अभी कैसी लग रही हूँ। आई होप अच्छी लग रही होंगी। और साड़ी पहनने में मेरी मदद की है मेरी ननद, क्योंकि मुझसे ये साड़ी पहना नहीं जा रहा था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं अपनी ननद से हेल्प ली हूँ, वही मुझे साड़ी पहनाई है और बहुत कुछ हेल्प किया है उन्होंने, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हम बस पूजा करने जा रहे हैं। अभी 7 बज चुका है और मैं 5 बजे नहाई थी, 5:30 बजे, और सोचिए 1.5 घंटे से मैं तैयार हो रही हूँ। मेकअप का मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं कुछ खास प्रोफेशनल मेकअप नहीं करती हूँ, जैसे सब लोग रोज डेली घर में करते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। तो मेकअप का कोई वीडियो शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, और उसके बाद अभी चाँद निकलने में 1 घंटा देर है, 7 बज रहा है, तो 1 घंटे में चाँद निकलेगा। तब तक मैं अपना पूजा पाठ कर ले रही हूँ, कथा कह ले रही हूँ, और उसके बाद फिर चलेंगे ऊपर छत पे और चाँद देखेंगे। और ये साड़ी पहनी हूँ मैं जो सरप्राइज गिफ्ट दिया था उन्होंने, और ये लहठी, ये मेरी शादी की लहठी है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये साड़ी के साथ एकदम टोटली मैच हो जा रहा था, तो यही वाला पहन ली। और सारा ज्वेलरी भी पहन ली हूँ, कोई भी मतलब पर्व त्यौहार होता है तो मैं अपनी सारी ज्वेलरी पहनती हूँ, जैसे तीज में या फिर करवा चौथ में, तो जितने भी मेरे ज्वेलरी है सब मैंने पहन लिया है। और चलते हैं अभी पूजा करने, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। मैं आ चुकी हूँ पूजा रूम में, यहाँ पे मैंने अपना पूजा का सारा सामान यहाँ पे सजा के रखा है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लाए थे मेरे हस्बैंड और कुछ मीठा लाए थे, तो वो सब मैं यहाँ पे रखी हूँ। और ये अपना सिंदूरा भी यहाँ पे रखी हूँ, ये चौकी है, छोटा सा चौकी, इसको मम्मी मेरी दी थी, मायके से मिला हुआ था मेरी शादी में कि इस पर पूजा करने के लिए। और ये देखिए फ्रूट्स है, ये सेब संतरा, और ये लड्डू लाए हैं, और ये गुलाब जामुन लाए हैं, केला लाए हैं, और एक नारियल भी लाए हैं। ये सब पतिदेव लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने लोटे में जल रखा है, अभी मैं पूजा करूँगी। और मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मुझे नहीं पता कि मतलब जैसे पारंपरिक तरीके से करवा चौथ कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई नहीं करता, मेरी सासू माँ नहीं करती है, मैं ही करती हूँ बस। और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में, तो मुझे जैसे समझ में आता है वैसे मैं कर लेती हूँ। अगर कुछ गलती हो रही होगी मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, और सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे किया जाता है ताकि मैं अगले साल से इस बात का ध्यान दूँ। तो बस जितना मुझे समझ में आता है उसी हिसाब से मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। बस मैं इतना मानती हूँ कि पूजा पाठ दिल से किया जाता है, भले अब वो आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन दिल आपका साफ़ होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं करवा चौथ का कथा कर रही हूँ। एक बुक ले लिया था मैंने पिछले साल, और उसी बुक से मैं अपना कथा कर लेती हूँ अपने से ही, कोई है नहीं, मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया भी है कि मैं अकेली बहू हूँ,
तो सासू माँ करती नहीं है, मैं ही हूँ अकेली, तो मैं ही करती हूँ, तो मैं अकेले ही अपना पूजा कर रही हूँ। वैसे दो चार लोग रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मैं किसी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। जो हमारे पड़ोसी हैं उन लोगों से भी मेरा कभी बात नहीं होता है, क्योंकि मैं नई बहू हूँ और मुझे किसी से बात नहीं करना होता है अभी। तो बस मैं अपना अकेले में ही पूजा कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं कथा कह ली हूँ, बस मेरा पूजा हो गया, अब चांद का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। पूजा हो गई मेरी, गाइस तो मैंने पूजा कर लिया है, पूजा कर चुकी हूँ और अभी आ गई हूँ रूम में। अभी चांद निकला नहीं है, पटाखे छूट रहे हैं बहुत यहाँ पे। पता है यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है ऐसे जैसे दिवाली मनाया जा रहा हो। करवा चौथ के दिन ही दिवाली मना लेते हैं सब लोग, दिया भी जला लेते हैं और पटाखे भी बहुत फोड़ते हैं सब यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। और अभी छत पे चलेंगे ना, सबके छत पे करवा चौथ का पूजा हो रहा होगा। यहाँ पे हर घर में करवा चौथ होता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बिहार में मतलब सब कोई करवा चौथ नहीं करता है, वहाँ पे तीज ज़्यादा किया जाता है, तीज का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लखनऊ में ये करवा चौथ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तीज यहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं तो तीज भी करती हूँ और करवा चौथ भी करती हूँ। तो बस तैयार वार हो गई हूँ, देख ही रहे हो आप लोग, ये जो साड़ी लेके आए थे वही वाला पहनी हूँ। और ये मेरी चुनरी है जो शादी में मतलब खरीदाया था, पापा खरीदे थे मेरे पापा, तो शादी में खरीदाया हुआ ये जो जोड़ा होता है ना, शादी का जोड़ा, जो मेरा लहंगा है, लहंगा के ऊपर ये चुन्नी खरीदाया था, ऊपर से दुल्हन वाला चुन्नी है ये। तो ये जब भी मैं ये तीज करती हूँ या फिर करवा चौथ करती हूँ तो ये वाला चुनरी जरूर ओढ़ती हूँ। कि सुहाग के जितने भी चीज़ होते हैं ना, सोलह श्रृंगार सब मैं करती हूँ, और जितने भी ज्वेलरी होते हैं वो सब भी मैं पहन ही ली हूँ, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि ज्वेलरी ऐसे तो हम लोग डेली इतने सारे पहनते नहीं हैं, तो कम से कम तीज त्यौहार के दिन तो पहनना चाहिए। और बस तो अभी चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, 8 बज रहा है, कुछ देर में चांद निकल ही जाएगा। और ये अभी तक आए नहीं हैं, ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये लह की चूड़ी है, ये भी मेरे शादी के टाइम की है। फुल सारे लुक तो आप लोग देख ही चुके हैं, अभी पूजा करूंगी तो फिर से देख लीजिएगा। पटाखे फोड़ रहे हैं सब। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, अभी मैं वेट कर रही हूँ चांद निकल जाए। चांद निकलने से ज्यादा वेट तो मैं इनका कर रही हूँ, ये अभी तक आया नहीं ना, आ जाए जल्दी से बस। चलनी भी नहीं था मेरे पास, पता है पिछले साल वाला जो चलनी था वो खराब हो चुका है, टूट गया था, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा रखा हुआ होगा उसी से काम हो जाएगा। लेकिन अभी मैं देखी पूजा करते टाइम तो वो टूट गया है, तो फिर मैं इनको कॉल की हूँ कि लेके आइएगा, तो अभी तो आए ही नहीं है, आएंगे तो लेके आएंगे शायद, देखिए। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरा पिछले साल वाला चलनी उसमें छेद हो गया है पता नहीं कैसे, तो मैं इनको बोली थी कॉल करके कि चलनी लेते आइएगा। वैसे मुझे लगा दुकान बंद हो गया होगा तो मिलेगा भी नहीं, इसलिए मेरा धक धक कर रहा था, पता नहीं मैं कैसे पूजा करूँगी, बट भगवान की दया से मिल गया चलनी। अभी रात के 8 बज रहे हैं लेकिन दुकान खुला था तो मिल गया इनको, और ये अभी जस्ट लेके आए हैं। तो वही अभी मैं चलनी की भी पूजा करूँगी, चलनी का पूजा मैंने किया नहीं था तो अभी मैं चलनी की भी पूजा करूँगी। गाइस तो 8:20 हो चुका है, चलती हूँ छत पे देखती हूँ चांद निकला है कि नहीं। और ये आ चुके हैं, अभी नहा रहे हैं, तब तक मैं देख के आ रही हूँ चांद। सॉरी इधर से नहीं जाना आज, इधर से जाना। छत पे देख के आते हैं, अभी मैं इनको बोली थी बल्ब लगाने के लिए, तो आई थिंक बल्ब लगा दी बल्ब लगा दिए। पता है इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है मारा पीटी कर लूं, लेकिन कंट्रोल कर रही क्योंकि आज करवा चौथ है इसलिए कंट्रोल कर रही हूँ। यहाँ पे आज लाइट लगा दिए हैं, ये हर साल क्या होता है,
पिछले साल हुआ था ना कि लाइट नहीं थी तो बहुत दिक्कत हो रहा था वीडियो लेने में और फोटो लेने में, तो इस साल तो लग गया। अभी चांद देख ले, चांद निकला नहीं है अभी तक, अभी चांद नहीं निकला है। और सब लोग अपने अपने छत पे वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबके यहाँ होता है ना करवा चौथ, यहाँ पे हर घर में होता है, तो सब लोग अपने अपने छत पे वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। आई थिंक 5-10 मिनट में निकल जाएगा, तब तक ये नहा भी लेंगे, उसके बाद तब तक मैं जा रही हूँ अपने पूजा का सारा सामान लेके आने। तो गाइस देखिए यहाँ पे सबके घर में होता है ये करवा चौथ, पटाखे फोड़ रहे हैं सब, आज ही दिवाली भी मनाते हैं यहाँ पे, और सबके छत पे इंतज़ार हो रहा है चांद का। देखिए सबके सब अपने अपने छत पे इंतज़ार कर रहे हैं चांद का कि कब चांद निकले और कब सब लोग पूजा करें। ये देखिए हमारे बगल वाले छत पे भी, यहाँ पे शायद एक आंटी रहती हैं, रेंट पे रहते हैं ये लोग, तो ये लोग भी वेट ही कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं चांद निकलने का सबके छत पे। देखिए यहाँ पे हर घर में होता है, यहाँ सामने वाले की छत पे भी ये लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबके घर में, अपना अपने घर में सब लोग चांद निकलने का वेट कर रहे हैं। आई थिंक 10 मिनट में चांद निकल जाएगा, तो चलूँ मैं भी नीचे सामान ले लूँ, अपना सारा पूजा का सामान लेके आऊँ। और ये नहा रहे थे तो अभी नहा भी लिए होंगे। आज मैंने छमछम वाला पायल पहना है तो वही छमछम बज रहा है। मेरे शादी में पायल मिली थी माँ के से, जिसमें बहुत सारे घुंघरू हैं, तो वो जब भी मैं चलती हूँ ना छमछम आवाज़ करते हैं। ये भी नहा लिए तो यार ले चले हम ना पूजा का सामान। देखा जाए अभी तैयार हुआ जा रहा है, लेट सेट आए हैं और उसके बाद अभी क्रीम पाउडर लगाया जा रहा है, तैयार हुआ जा रहा है। अभी एक तो दिन साल में क्रीम लगाते हैं, साल में एक बार क्रीम लगता है आज ही के दिन, अदरवाइज कोई क्रीम व्रीम नहीं लगता है, आज ही तैयार होते हैं। और ये शर्ट जो है प्रेस भी नहीं हुआ है, पहन लिए हैं जनाब। तुमको प्रेस करके रखना चाहिए।